हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएसकेपी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चक्षु पब्लिकेशन की बुक के प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके पास चक्षु पब्लिकेशन की बुक नहीं उपलब्ध है तो हम डोंट वरी, हम आज से अपने चैनल पर इसकी सीरीज शुरू करने वाले हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। दोस्तों, अगर आप बीएड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपको बता दें, यह 2021 के पेपर पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पर जो 2021 में जो क्वेश्चन आए थे वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आता तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम आपको सारे आंसर बताएंगे और विद डिटेल एक्सप्रेशन के साथ। दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो आप नोट मत कीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कीजिए। वहाँ पर हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करेंगे और वहाँ पर हम आपको PDF भेज देंगे। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। दोस्तों, हम आपको इसको डिटेल एक्सप्रेशन देते हैं। पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत वायुमंडल के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हो। यहाँ पर 5 परतों में विभाजित होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्ममंडल। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल, बी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मानवीय आवास को कहते हैं यूर्त। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई। दोस्तों, यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत आपको हम बता दें 2014 में शुरुआत की गई थी। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील हो जाती है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, हमारा आंसर क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तन सील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो इस मौद्रिक व्यवस्था को स्वर्णमान कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यहाँ पर स्वर्णमान कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, सर जानसोर के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। दोस्तों इस वीडियो को आप एक दो बार देख लीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। यहाँ पर अनुच्छेद आपका 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन सलाह देने हेतु व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप ध्यान से पढ़े होंगे, यहाँ पर इसमें लिखा है राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय
स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस तो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपने दिवस के क्वेश्चन नहीं तैयार किए तो इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई? रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना दोस्तों पश्चिम बंगाल में की गई थी। यहाँ पर इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है? भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों SSB का गठन 1963 में किया गया था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की इस गद्दी पर बैठा? तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में जो कि हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है? किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? किस अधिवेशन ने मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो दोस्तों यह आपका अधिवेशन है लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में आपका बना था। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 का आप क्या कह रहा है? जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पिल, लोकहित मुकदमा यानी इसको अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म कहते हैं पिल, लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों इसका क्वेश्चन हो जाएगा 14 का आंसर डी PN भगवती। जब पिल लाया गया था तब मुख्य न्यायाधीश भारत के PN भगवती थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर बी सही हो जाएगा, बीजिंग चीन। पीपुल्स डेली बीजिंग चीन से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है। दोस्तों आज की वीडियो में हम 15 ही क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे या कोई त्रुटि हो गई हो हमसे तो इसके लिए सॉरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी GKGS की प्रैक्टिस कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।